फ्रेंड्स आज हम चले हैं आगरा, तो आगरा में ताजमहल है, आज हम व्लॉग बनाएंगे, तो आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय। और अभी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ चल रहे हैं, तो रास्ते में दिखाएंगे, एंजॉय करते हुए चलेंगे। चलिए फ्रेंड, काफ़ी रास्ता हमने वैसे क्लियर कर लिया, मतलब चल चुके हैं, और बाकी अभी इंजॉय करेंगे जब हम ताजमहल पहुंचेंगे, तो अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको डिटेल में दिखाने के लिए। और आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। और आप बताना आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कैसा लगा। और एक बात का ध्यान रखना, आप कभी भी हाईवे आते हो, स्पेशली अगर दिल्ली से एक्सप्रेसवे से होते हुए जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे से, तो दिन का टाइम मतलब फॉग वगैरह भी होती है, तो आप गाड़ी थोड़ा केयरफुली चलाएं, और जो भी लिमिटेशन होती हैं उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम अपनी तरफ से सेफली जा रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, मौसम भी काफ़ी सुहाना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो आगे चलते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए तनिषा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। और ये देखो जी, सारे फ्रेंड्स हैं साथ में, ये है वरुण सेट्टी, ये फैमिली मेंबर्स हैं। मैं भी हूं। आप भी कर दो ना। चार तक सो रहा है, स्लीपिंग। चलो फ्रेंड चलते हैं। अभी हम पहुंचे हैं वृंदावन गट के, कहते हैं यहाँ पे सीएनजी स्टेशन, तो अभी सफर चल ही रहा है, आगे आओ सबसे मिलाते हैं। ये हैं तेजस। हाँ जी, मैं तेजस भैया, मैं प्रो गेमर हूँ। ये गेमर है, ये देखो ये सारे फैमिली मेंबर हैं, सभी जा रहे हैं। दीपू भैया, गोनी भैया, मैं भी जा रही हूँ, निशा आंटी हमारी, आयरन लेडी है जी हमारी, सार्थक भी आ रहा है, अभी उसको बचा रहा, छोटा है अभी वो। और बाकी देखते हैं, एंजॉय करते हुए चलेंगे। और आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अभी भी फ्रेंड्स सफर चल रहा है, आपको मैं रोड दिखाता हूँ यहाँ पे, जो यमुना ये एक्सप्रेसवे है उसकी रोड कैसी है, ये देखिए ऐसा ही है आगे, मोस्ट प्रॉब्ली सीमेंटेड लग रही हैं, बट जो भी है सही है, स्मूथ चलती है गाड़ी काफ़ी। और वरुण भैया सफ़र कैसा लगा आपको? नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया लगा। बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं जाके, विकास भैया की वजह से ही हो रहा है सब ये। तो इसी बात पे यार फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो जरूर शेयर करना। बिल्कुल, ये देखिए यंग बच्चा, ये भी राहा में है फिलहाल, ये लगे पड़े हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल, और जब पहुंचेंगे फ्रेंड मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड बस एक टायर पे बुलेट लेके जाना बनता तो ज्यादा मजा आएगा। मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक कर रहे हैं गोनी भैया। ये है हमारी निशा आंटी। निशा आंटी आज क्या लाए हो साथ में आप? आज मैं आलू पूरी अचार। देखो आंटी हमारा पूरा ध्यान रख रहे हैं, बाकी ये है कि बहुत बढ़िया है, बाकी जब पहुंचेंगे देखेंगे कैसे। आप देखिए काफी खुली खुली रोड्स हैं, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ये देखो ये मिला है निशा आंटी की तरफ से दावत, कैसा लगा फ्रेंड कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट डालना, और ये वीडियो जरूर शेयर करना। और दीपू भैया खा लो, ये हमारी निकड़ी दीदी है, नहीं वाइपर में नहीं है, वाइपर में नहीं है, नीचे है, नीचे है, नीचे है। चलो फ्रेंड इसको एंजॉय करता हूँ मैं जरा। फ्रेंड अभी तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, निशा आंटी ने बनाया था हमारे लिए। और तेजस कैसा लगा सफर, कैसा लग रहा है? चलो ये निशा आंटी हमारी, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। चलो अभी आगरा रास्ते में चलते हैं, खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद फिर देखते हैं, फिर एंजॉय करेंगे।
और लेट्स सी कैसा रहता है सफर। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा सफर रहेगा। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time. Friends, अभी हम आगरा की पार्किंग तो पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो 100 rupees फॉर नेक्स्ट 4 hours। तो बाकी ये है कि कुछ दिखाना चाहूँगा वो देखिएगा। इसमें एक शू कवर देते हैं यहाँ पे 10 rupees का, तो अभी लिया है वो, कह रहे थे दैट्स अ मैंडेटरी, आई डोंट नो, जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा और बाकी आपको दिखाता हूं किस प्रकार की गाड़ियाँ थी। ये देखिए गाइड नहीं चाहिए भाई, इस प्रकार की गाड़ी जाती है फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हो। चलो इंजॉय करेंगे, अभी देखते हैं। वही बढ़िया है, बैठ रहे, बैठ बैठ दीपू, बैठ बैठो बैठो। इस प्रकार की गाड़ी जाती है और पार्किंग से मिल जाएगी, 10 rupees चार्जेस होते हैं। चल दीपू, हाँ चलो। वरुण भैया कैसा लग रहा है? ओ भैया, दीपू भैया बैठो, कुछ बोलना चाहोगे दीपू भैया? बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, एंजॉय करेंगे अपा। तनीषा कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, देखो वो वाला ताजमहल है। हाँ, तेजस भैया, तेजस भैया कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, सब लगे पड़े। चलो अभी चलते हैं, बात करते हैं, एंजॉय करेंगे। चलिए फ्रेंड, अभी हम चल पड़े हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और देखते हैं कैसा लग रहा है और फैमिली के साथ। और निशा आंटी आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हूँ। आप भी काफी टाइम बाद आए होंगे? हाँ जी, मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। और आप सबको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज है हमारी 31 जनवरी 2021, तो आई होप कि आप सब भी एंजॉय कर रहे होंगे। दीपू भी अभी एंजॉय कर रहे हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं। तो अपना एक्सपीरियंस दिखाना चाहूंगा कि आप सबको कैसा लगा, मैं भी अपनी तरह से दिखाना चाह रहा हूँ। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस। और इसी बात पर इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो और ये जो वीडियो है फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, ताकि जितना पॉसिबल होगा मैं आपको पूरा से पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। ये देखते जाइए, यहाँ की मार्केट का थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। चलिए ये जी जी ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, आई होप यू विल एंजॉय। फ्रेंड्स यहाँ पे गाइड्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे कि भाई साहब हैं और इन सबके आइडेंटिटी प्रूफ भी होते हैं ये इनका कुछ। भाई साहब वैसे ही थोड़ी चले जाएंगे हम लोग अंदर। भाई साहब अपना नाम बताओ। अजीत कुमार नाम है मेरा। अजीत भाई है ये और आगरा में है, ये गाइड का काम करते हैं। ये देख लीजिए इनके रेट्स लिखे हुए हैं और बाकी है सर्विसेज के लिए आप इनसे बात करते हो। तो कोई कांटेक्ट नंबर देना चाहोगे अपना, कोई यहाँ पे मेरे व्यूअर्स आप अगर मेरे व्यूअर्स आना चाहें तो? बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूबर बता दी। हाँ, आई एम ए यूट्यूबर। 7037495411। दोबारा रिपीट कर दीजिए, 7037495411। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आप आते हो तो एक बार आप देख सकते हो अपने हिसाब से, आप जो भी अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अजीत नाम बताया ना आपने? जी अजीत नाम। तो अजीत भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप ताजमहल के बारे में, तो आगरा फोर्ट के बारे जी में। जी जी, तो फ्रेंड्स ये फाइनल डिस्क्रिप्शन आपका होगा, अगर आप आते हैं तो ये गाइड हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। और बाकी यहाँ की ये लोकल मार्केट है जैसे कि आप देख रहे हो, तो आई होप यू विल एंजॉय। बाकी आप देखो जो बात करना चाहो अपने हिसाब से बात कर सकते हो। आप भी गाइड वगैरह हैं यहाँ के व्यू यहाँ पे आए हैं? ओके, यहाँ पर आए नहीं है सर, मैं शॉप ऑनर। और शॉप ऑनर है, आपकी कौन सी शॉप है सर? ये जो सामने है हैंडीक्राफ्ट करके। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप आके शॉपिंग कर सकते हैं, कैप्स वगैरह हैं और भी ये आपके खाने पीने का आप ही का सारा स्टॉक। ओके ओके सही है, मार्बल के गिफ्ट आइटम्स हैं यहाँ पर। ओके, आप दिखा सकते हैं, दिखाना चाहो तो कौन कौन से हैं? जो कि आगे में बहुत फेमस होता है सर, मार्बल का गिफ्ट आइटम। ओके ओके, यहाँ पे लोकल शॉप है फ्रेंड्स, दिखाना चाहूँगा। ओके, ये आपकी मेन मार्बल की शॉप है? ओके जो ओके
समझ गए, ज्यादा टूरिस्ट लेके जाते ही हैं, तो मल्टीपल वेराइटीज है इनकी। फ्रेंड्स अभी आपको प्रोडक्ट्स दिखाएंगे जो इनके हैं, और जैसे कि ये रिंग आइटम बता रहे हैं, तो प्राइसेस में हर एक को तो नहीं बता पाएंगे, शॉर्ट वीडियो है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो क्या बताना चाहेंगे सर इसके बारे में? सर मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये आइटम जो देखा है ये रिंग बॉक्स है, रिंग बॉक्स है ओके। और जो भी आप इसके ऊपर कलर देख रहे हैं, हाँ। देखने में तो ये वाकई कलर या पेंटिंग लगता है, लेकिन ये कलर या पेंटिंग नहीं है, ये सब सेमी प्रेशर स्टोन है ओके ओके, जो की आपको ताजमहल में भी देखने के लिए मिल जाएंगे ओके। तो आपका जो मेन वर्क है, मार्बल से रिलेटेड एक्सपर्ट हो एक तरह से आप, आपकी मैन्युफैक्चरिंग होलसेल रिटेलिंग तीनों है क्या? ओके गुड। तो इनके वॉचेस भी आप देख सकते हैं देखना चाहे तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, एक बार आप इनको मौका दीजिए, और एक बार देखो प्राइसेस वगैरह डे बाय डे चेंज होते ही रहते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, आपका फिक्स रहता है ओके। तो प्राइस उनके बारे में आप बात कर सकते हो, अगर आप कुछ स्पेशल आइटम दिखाना चाहें जो आपकी सबसे रिकमेंडेशन हो, बेटर लगे लोगों के लिए आने के लिए, तो कुछ ऐसा है तो आप बता सकते हो। बेटर आइटम है मेरे पास, सबसे बेटर ये वो स्टोन्स हैं जो नाइट में ग्लो करते हैं, सेमी प्रेशर स्टोन जो ताजमहल okay. आपको पूर्णिमा वाले दिन देखने को मिलेगा मून लाइट में। अच्छा अच्छा, तो ये स्टोन होते हैं जो ये स्पेशल है ओके okay. ये ग्लो करता है, ये ज्वेलरी बॉक्सेस है। जी 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 जी, ज्वेलरी बॉक्स है। एक बार सर इसको ओपन करके दिखा दीजिए अंदर से ओके okay. जो रिंग्स वगैरह रखना चाहें, स्मॉल चेन्स रखना चाहें, सब टू देम की क्या रखना है क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स एक बार आप मौका जरूर दीजिएगा, आप थोड़ा सा आइडिया लग सकता है इनकी शॉप के बारे में। और बाकी ये देखिए ऑसम प्रोडक्ट्स हैं, गिफ्टिंग आइटम में भी आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो यहाँ से लेके, तो एक बार इनको मौका जरूर दीजिएगा। तो एनीवे मैं अभी और आगे चलता हूँ तो एक्सप्लोर करेंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। बताइए कौन सा मार्बल सर? ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल ओके, इसकी खूबसूरती ये देखिएगा सर, अब आप इसमें से स्मेल सूंघे, इसका स्मेल आता है मट्टी की तरीके से ओके। मैं सूंघे देखता हूँ। वाओ, ये और मार्बल ही है, ये कैंडल लाइट है, कैंडल लाइट ओके, पुराने टाइम में चलती होंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, और ये जो वीडियो है ना फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर करिए, और इन सब को मौका जरूर दीजिएगा। और बाकी आई होप कि आपकी तरफ से ये एस्ट्रे है सर? जी सर। आपके पूरी यूनिक आइटम सर देखा जाए तो, ये ऑनएक्स है सर ओके, ये ऑनएक्स ओके, ये पूरा एक्स्ट्रा है, ऑनएक्स है ओके। बढ़िया, थैंक यू सर टाइम देने के लिए, और मोस्ट प्रोबली हो सके तो आप जो भी टिंकू भाई की तरफ से आते हैं तो कुछ कंसेशन आप उनको जरूर दीजिएगा ओके। तो आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय। चलिए अभी हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, जैसे अभी अजीत भाई हैं यहाँ के, जैसे इनको अभी गाइड है हमारे लिए, तो जैसे भी रास्ते में आपको बताया था कि अभी हमने ये बाय करी थी 10 रुपए की, दिए थे उन्होंने, तो जैसे यहाँ पे जो म्यूजियम है जिसकी मोजोलियम कब्रें बनी हुई सांझ और मुमताज ओके, वहाँ पर आप जाएंगे तो इसका यूज करना पड़ेगा ओके। इसके हेल्प से आप जूतों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली तो कब्रों के ऊपर जूते पहनकर जा नहीं सकते। जी जी, तो इसी की हेल्प से हमें कवर करना ओके। अब जैसे नॉर्मल लोग जैसे लेते हैं, लोग 50 की टिकट लेते हैं, तो उसमें यूज नहीं है, यूज नहीं है ओके, ये सिंपल से एक एक्स्ट्रा खर्चा है ओके। तो जो मैं वहाँ पे था वो तो कह रहे थे कि भाई ये 20 रुपए का पड़ता है अंदर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब पागल बनाने वाली बात है। फॉरेनर के लिए 1300 रुपए की टिकट है, 1300 रुपीज की ओके। तो उसमें ये शू कवर और पानी की बोतल उनको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड कराते हैं ESI वाले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा ओके, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं। वैसे नॉर्मल जो इंडियन है उनके लिए उनको ये परचेज करना होगा 250 रुपए की, मतलब ऑप्शनल है, इट्स अप टू अस की लेना या नहीं लेना ओके। बाकी यहाँ की लोकल शॉप्स हैं यहाँ पे। अभी जैसे हमने ऑनलाइन टिकट बुक करी थी तो वो पड़ी थी अपने को 45 रुपए की, 45 रुपए की, 5 रुपए डिस्काउंट देते हैं। हाँ 5 रुपए डिस्काउंट देते हैं। फ्रेंड आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप सिंपली आप जो है क्या कहते हैं ऑनलाइन टिकट बाय करिए। उसका रीज़न क्या, एक तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और कोविड का टाइम तो वैसे ही चल रहा है, टाइम चल रहा है तो अभी बंद ही है, ऑनलाइन ही टिकट लेनी पड़ेगी। हाँ तो हमने तो ऑनलाइन ले लिया था। चलिए फ्रेंड आगे इन्जॉय करते हैं, देखते हैं। फ्रेंड जैसे हमने ऑनलाइन टिकट बुक कर रखी थी तो फिलहाल ये देखिए यहाँ विदेशी देशी देश के निवासियों के लिए, तो यहाँ से एंट्री होती है फ्रेंड्स।
तो फिलहाल तो हमने तो ऑनलाइन टिकट बाय करी थी, बाकी आगे चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे बस क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, डिजिटल इमेज भी ले जा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके अजीत भाई, फ्रेंड एक बार अजीत भाई को मौका देना और इनकी जो सर्विसेज अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मनीषा दीदी कैसे हो? चलिए चलते हैं। निशा आंटी कहाँ है? बाकी चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अंदर की तरफ। ओके अजीत भाई कह रहे हैं आज जैसे मंकी है, जैसे वो अपने गुटखा खा रहा है, क्या खा रहा है बंदर, आप ध्यान से देखें, ये देखिए गुटखा खा रहा है। चॉकलेट होगा सर, वो चॉकलेट चॉकलेट वगैरह कुछ खाते हैं या फिर चॉकलेट? हाँ चॉकलेट लेके जाएंगे, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स का पैकेट, आप जल्दी से लेकर जाएंगे। अच्छा, अदरवाइज आप बोलेंगे चश्मा लेकर जाएं आपके हाथ से, आप फोन लेकर जाएं, वो नहीं लेंगे, वो खाने पीने के आइटम पे ध्यान देते हैं। चलो सही है भाई, जैसे मथुरा वृंदावन जाएंगे आपके चश्मा लेकर जाएंगे, बड़े खाने के आइटम चोरी करते हैं, फोन यूं करते हैं, कोई फोन भी। हाँ बिल्कुल, फोन वहाँ पर मथुरा वृंदावन के अंदर है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ टॉफी यही चीज लेकर जाएंगे। और उनको खाने पीने से मतलब है, मन मोजी है यहाँ पे, नहीं टेस्ट को मेंटेन किया है, जैसे फॉरेनर ज्यादा आते हैं ना उसी तरह से। अच्छा, यही चीज ज्यादा खाते हैं, हाइजीन को मेंटेन करते हैं। ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ मंकीज ज्यादा है क्या? बड़ा है ये, लगता है हिस्टोरिकल वॉल्स है, कभी नहीं दिखता ऐसा भी नहीं फिलहाल। ये है सर कि आगरा जो है ना इस तरह से है कि कहीं से नीचे और कहीं से बहुत ज्यादा ऊंचा है। अच्छा, ये नीचे डाउन में, ये डाउन इस जगह पर डाउन है, ये दिखता नहीं है, खेत है ना बीच में, तो इसलिए नहीं दिखता, विलेजेस हैं इस वजह से नहीं दिखता। मतलब ताजमहल के ऊपर जाएंगे, ताजमहल पर जाएंगे तब तो बहुत बहुत दूर तक दिखेगा आपको। ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये पहले पुरानी फोटो है, मतलब ओके, तो इसमें कुछ मेन डिफरेंस क्या, कुछ कलाकारी का डिफरेंस है क्या खाली? अच्छा मेंटेन, अच्छा साफ सफाई का। अच्छा अच्छा 1959 में, ओके पहले अलाउ नहीं था अंदर, 1987। अच्छा चेंज होता रहा वक्त के हिसाब से। ओके, आज भी उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया, आज भी वो सारा ही काम हाथ से करते हैं। अच्छा, वो आज भी लॉक पीसेस मार्बल को लाते हैं, स्टील वायर के हेल्प से मार्बल कट करेंगे, रोटेटिंग व्हील होगा उनके पास, हैंड ग्राइंडर, उसको वो राइट हैंड से रोटेट करते हैं और लेफ्ट हैंड से स्टोन को शेप देते हैं, हैमर एंड आइंस से मार्बल को डिलॉक करने के बाद कैविटी बनाने के बाद स्टोन को फिक्स करते हैं उसी टेक्निक से, आज भी कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ओके, एक साइक्लोन आया था यहाँ पर 18 में, ओके 2018 में, उसकी वजह से सब डैमेज हो गया था, देखिए। अच्छा, डैमेज के साइन है जी। ओके, तो ये दोबारा रिपेयर हुआ क्या? ये रिपेयर कर दिया सब। ओके, वहाँ टूट गया होगा तो यहाँ पे रिपेयर किया था साइक्लोन की वजह से। ओके, तो ये है क्या, दरवाजा में ये गेट है। चलते जाइए फ्रेंड, अपनी तरफ से पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय। और ओके,
तो ये जो राम बाग है ये कब नाम चेंज हुआ है? ये राम बाग सर ब्रिटिश ने किया था। अच्छा, आपने चेंज कर दिया, अपनी मर्जी। राम को राम बाग एक तरह से बोला है, कॉन्ट्रोवर्सी के चलते चेंज हुआ है अपने टाइम के हिसाब से। अपने टाइम के हिसाब से ओके। ये मेहता बाग है जहाँ पर एक ताजमहल और बनने वाला था जो कि साजा अपने लिए बनाने वाले थे, वो रह गया था। जी वो रह गया। ओके। मरियम सिकंदरा, मरियम। ये देखिए फ्रेंड, अभी एंटर हो रही है अंदर ही। कौन सा गेट है? ईस्टर्न गेट। ओके, ईस्टर्न गेट है। ये देखिए फ्रेंड, काफी भव्य है, काफी बड़ा है। हम इसको वीआईपी गेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जितनी भी वीआईपीज हैं, वीवीआईपीज हैं, जी जी, वो ऑलमोस्ट सारे ही वीआईपीज वो इसी गेट को यूज करते हैं, ईस्टर्न गेट को। अपने टाइम में, अपने टाइम पर भी। अच्छा, पर भी सारे वीआईपी इसी गेट को यूज करते थे। साजा भी कहते हैं इसी गेट से आया करते थे। अच्छा अच्छा, आज टिंकू भाई भी इसी गेट से आया है, हमारे भी वीआईपी एंट्री कराई जीत भाई ने। अदरवाइज आप वेस्टर्न गेट से आते हैं इस गेट पर, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ काफी ज्यादा रश मिलता है आपको। ओके, दूसरे गेट से आते तो जी वेस्टर्न गेट से, क्योंकि तो अभी दो तरफ से एंट्री अलाउ है अभी। हाँ जी, ईस्ट और वेस्ट। ओके, तभी हम फिलहाल ईस्ट से आए हैं। ईस्ट से आए हैं, ये ज्यादा बेटर है ईस्ट से। ओके, क्योंकि यहाँ आपको रश नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे देख रहा हूँ अलग अलग ऑफिस बने हुए हैं, डिप्टी कमांडेंट वगैरह। ये सीएसएफ वाले ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं बाद में। वैसे तो बेसिकली रूम्स ही थे। अच्छा, साझा के टाइम पर भी ये रूम्स थे। ओके, टोटल 210 है यहाँ पर, ये 210 रूम है। ओके, ओके, 210 है क्योंकि जब आगरा के अंदर कोई होटल या गेस्ट हाउस जैसी फैसिलिटी नहीं थी। हाँ, तो जो विजिटर आते थे वो इन जगह को एज ए गेस्ट हाउस यूज किया करते थे। अच्छा, ये गेस्ट हाउस है, छोटे छोटे कमरे जो थे। प्लीज मैं आपको बताता हूँ जाएगा। ओके, रानियों के लिए तो अलग आगरा फोर्ट के अंदर वो सब आगरा फोर्ट के अंदर। लुक वाइज आंटी काफी प्यारा लग रहा है। वाओ, तो अभी मैं आपको इस जगह के बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, इधर आ जाओ। सो अगेन, मेरा नाम अजित कुमार है, अजित कुमार अंश, मैं आपका टूर गाइड हूँ। सेकंड, अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, ताजमहल का कोर्ट यार्ड है, इस कॉम्प्लेक्स का कोर्ट यार्ड है। उधर मत जाओ। इस कोर्ट यार्ड की ब्यूटी है कि यार चारों डायरेक्शन में चार गेट है और चार ही गार्डन है। ओके, तो जिस गेट से हमने एंट्री किया वो ताजमहल का ईस्टर्न गेट है, जिसको कि हम लोग वीआईपी गेट के नाम से जानते हैं क्योंकि जितनी भी वीआईपीज हैं, वीवीआईपीज हैं, उसी गेट को यूज करते हैं फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट। ओके, आज भी जिस टाइम पर ये ताजमहल बना था उस टाइम पर भी सारे वीआईपीज इसी गेट को यूज करते थे, तो इसलिए हम इस गेट को ईस्ट वीआईपी गेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, उसके अपोजिट में गेट है जो कि वेस्टर्न डायरेक्शन में है। वो जो गेट है उस गेट को हम लोग लोकल गेट के नाम से जानते हैं क्योंकि वो जो गेट है वो आगरा सिटी की तरफ खुलता है, तो जितने भी नॉर्मल विजिटर हैं वहाँ से आते हैं, यूज करते हैं फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट। आज भी जिस टाइम पर ताजमहल बना था उस टाइम पर भी। ओके, क्योंकि वो जो गेट आगरा सिटी की तरफ उस तरफ है जो। जी okay. अगर आप वहाँ से, अगर आप लोग भी अगर इस गेट की जगह उस गेट से आते तो आपको कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा, क्यू फॉलो करना पड़ेगा आपको, लाइन लगने के लिए, लाइन लगानी पड़ती है। ओके, तो हम भाग्यशाली हैं कि हम सही रास्ते से आगे बाय डिफॉल्ट। वो तीसरा गेट है साउथ डायरेक्शन में जो बेसिकली अभी वो एंट्रेंस के लिए खुला नहीं है, सिर्फ एग्जिट कर सकते हैं। ओके, वो गेट भी पहले एंट्रेंस और एग्जिट दोनों के लिए था। ओके, उस गेट को हम लोग लेबर कॉलोनी गेट के नाम से जानते हैं। ओके, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर ताजमहल के अंदर वर्क किया था, जो कि नंबर ऑफ लेबर 20,000 थे उस टाइम पे, जी उस गेट को यूज करते थे फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट। जी, एंड उसी गेट के बाहर उनका रेजिडेंस प्लेस था। ओके, एक शहर है ताजगंज, उसी गेट के बाहर में है वो। ओके, एक छोटा सा प्लेस है ताजगंज, ताजगंज उसी गेट के बाहर में। ये ताजमहल की मेन एंट्रेंस गेट है ताजमहल के लिए। जी, ओके, जिसको कि हम लोग रॉयल गेट के नाम से जानते हैं। रॉयल गेट, जी, रॉयल मीन शाही एंड गेट मीन दरवाजा। ओके, तो ये जो गेट की हाइट है बॉटम टू टॉप वो है 105 फीट। अच्छा, 105 फीट, 105 अबाउट 35 मीटर, 35 मीटर, जी लगभग 35 मीटर। ओके, दूसरा इस गेट की ब्यूटी है कि ये जो गेट है वो रिप्रेजेंट करता है कि ताजमहल को बनने में टोटल कितना टाइम लगा था। ओके, उसका जो सिग्निफिकेशन है वो इसी गेट के ऊपर है। वो आप डोम्स देख रहे हैं, छोटे छोटे डोम्स। हाँ हाँ, प्लीज आप काउंट कीजिए वो नंबर ऑफ डोम कितने हैं वो गेट के ऊपर में। सबसे ऊपर है जी, कितने होंगे वो? 11 डोम्स है उसके ऊपर में, 11 डोम्स है। अच्छा, 11 इसके फ्रंट साइड में है, 11 एग्जैक्ट इसके बिहाइंड साइड में, जो ऊपर ऊपर की तरफ टॉप में है, मतलब 22 डोम्स है यहाँ पर। क्योंकि जो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1631 टू कंप्लीट 1653। ओके, ताजमहल को बनने में टोटल 22 इयर्स का समय लगा था, 22 साल का। ओके, तो हर एक डोम जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक साल
एक डोम एक साल को रिप्रेजेंट करता है। ओके। क्योंकि जिस टाइम पर ये ताजमहल बन रहा था उनके पास ऐसा कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे वो नंबर्स वगैरह को इजीली कैलकुलेट कर सके। ओके। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग मून को फॉलो करते थे। अच्छा, आपने टाइम के लिए मून के बारे में सारे लोग एक बात जानते कि वो हर महीने सारी एक साल में 12 बार कंप्लीट होता और 12 बार इनकम्प्लीट। जब ऐसा प्रोसेस पूरा हो जाया करता था तो वो एक डोम बना कर रख दिया करते थे सबसे टॉप में, जिससे लोगों को याद रहे कि ताजमहल को बनने में टोटल कितना टाइम लगा। ओके। तो टोटल 22 इयर्स लगे बाय हेल्प ऑफ 20,000 वर्कर्स। ओके। दूसरी इस गेट की ब्यूटी है कि आप देखेंगे ये जो गेट है वो काफी ज्यादा डेकोरेटेड है जी, कुछ कलरफुल फ्लावर और लीव्स के डिजाइन जैसे देख सकते हैं इसके ऊपर में हम जी, जो कि हमें दूर से देखने में कलर या पेंटिंग जैसे दिखते हैं। हाँ, बट वो कोई कलर या पेंटिंग नहीं है, नेचुरल है, वो सारे रियल जेम्स स्टोन है। ओके, जो यहाँ पे है जैसे व्हाइट कलर है आपका और दूसरे कलर हैं, रेड कॉर्नेलियन है, ब्लू सफायर है जी जी, ग्रीन मलाकाइट है, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन है जो कि उस टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लाए गए थे बाय लैंड टू लैंड। ओके जी जी, बट हमें दूर से देखने में ऐसा लगता है कोई ये पेंटिंग है जी जी, बट अगर ये पेंटिंग होती तो वो कब की रिमूव हो चुकी होती जी जी। ये नेचुरल है और आज के टाइम भी ब्यूटी काफी अच्छी है, इसकी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं क्योंकि जब इसको फुल मून की लाइट पड़ती है तो स्पार्क करते हैं, इट्स लाइक ए फायर। अच्छा, वो शाइनिंग बहुत ज्यादा जी जी। अगर अभी कुछ स्टोन से जब उसपे एक सही रिएक्शन पे होते हैं तो सनलाइट के अंदर भी वो स्टोन हमें दिखाई देते हैं। ओके। तो हम उधर देख भी नहीं पाएंगे, इतने ज्यादा शाइन करते हैं वो। ओके। हाँ मैम, ये तो लोकल बाजू में 150 मीटर दूर है घर या गेट से जी जी, 150 मीटर की दूरी। बाकी अजीत भाई अपनी तरफ से अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ यहाँ पर छोटे छोटे आर्चेस बने हुए हैं। हाँ, अंदर की तरफ दूर देखने में नॉर्मली आर्चेस लगते हैं बट ये कोई नॉर्मल आर्चेस नहीं है। हुँ। ये टोटल यहाँ पर 210 रूम्स दिए गए हैं, 210 ये छोटे छोटे से जी जी, क्योंकि जब आगरा के अंदर ये ताजमहल बना था तो उस टाइम पर आगरा के अंदर कोई होटल या गेस्ट हाउस जैसी फैसिलिटी नहीं थी। ओके। तो जो विजिटर आते थे वो लोग इन रूम्स को एज ए गेस्ट हाउस यूज किया करते थे। अच्छा। बट आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अगर ये रूम्स है तो इसके अंदर कोई डोर या विंडो क्यों नहीं है। हाँ, वो तो लग रहा है जी। तो आगरा के अंदर समर टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वो लोग कर्टन्स यूज करते थे, कर्टन्स को लेते थे रोज वाटर में डिप किया देन उसको वो हैंग कर दिया करते थे। ओके। जिससे जब ये देख सकते हैं सारे इंटरकनेक्टेड है, जब हवा फ्लो करती थी तो वो ठंडी लगती, इट्स लाइक अ नेचुरल एयर कंडीशनर। ओके। और वो रोज वाटर जो था वो फ्रेग्रेंस के लिए यूज करते थे, जैसे हम लोग अपने घर के अंदर स्प्रे करते हैं रूम फ्रेशनर को, इसलिए रोज वाटर यूज करते थे वो फ्रेग्रेंस के लिए। ओके। चलो ऑलराइट सर जी, आई होप आपको अच्छी से डेफिनेटली अजीत भाई यू आर डूइंग अ गुड जॉब। कर्टन आई होप अच्छे समझ में आ रहा हो जी जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन। थैंक यू, वी कैन चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। चलो बाकी आप फ्रेंड्स बताइए अजीत भाई कैसा है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार इनको मौका जरूर देना आप। चलिए अभी आगे चलेंगे फिर देखते हैं। अजीत भाई, अच्छा अजीत भाई क्या प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, अगर आप कुछ पिक्चर्स चाहें इनसे एज ए मेमोरी तो आप इनसे ले सकते हैं। अच्छा, देखिए क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये दुनिया की मोस्ट फोटोग्राफिक बिल्डिंग है, ये इस तरह से फोटोज निकालेंगे आपके। ये कुछ डेमो है, जो साइज होगा वो इन्होंने दिखाया था आपको और चार्जेस की आप इनसे बात कर सकते हैं। क्या चार्जेस रहते हैं सर आपके? हाँ जी, 60 रुपीज पर क्लिक जी, पर फोटो, ए साइज की फोटो होगी। अच्छा, ओके। तो इसकी आप क्या डिजिटल इमेजेस भी दे देते हैं क्या, और लेनी हो तो जी आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, फोटो भी मिलेगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स आपको आइडिया लग रहा होगा तो आप यहाँ पे आके फोटो क्लिक्स भी करा सकते हैं। अजीत भाई का रेफरेंस भी मैंने आपको दिया है, आप भी यहीं पे नॉर्मली मिल जाते होंगे। मैं फोटोग्राफर है, यहाँ पे काफी है। ओके ओके, मतलब आप सब ऑथराइज है मतलब फोटो खींचने के लिए। जी 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 जी, ओके। तो बाकी फ्रेंड्स अभी बाकी देखते हैं, एक बार घूम लेते हैं फिर हम एंड में जाते हैं, फिर आप बात करते हैं। ताजमहल की सेंट्रल लाइन है ये वाली जी, और इसी लाइन की हेल्प से ताजमहल को डिवाइड करते हैं इन टू पार्ट। अच्छा, तो इक्वली मिरर इमेज बनता है राइट टू लेफ्ट, जैसा आप राइट में देखेंगे एग्जैक्ट वैसा ही लेफ्ट में देखेंगे। अच्छा, क्योंकि इस बिल्डिंग की स्पेशलिटी है कि आप जो भी देखेंगे सिमेट्रिकल और आइडेंटिकल देखेंगे। okay. और अगर इसी लाइन को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते हैं okay. तो आपको ऐसा लगेगा ताजमहल आपसे दूर जा रहा है। अच्छा जी, और अगर इसी लाइन को फॉलो करते हुए आप पीछे आते हैं तो ऐसा लगेगा ताजमहल आपके पास में आ रहा है, जूम हो रहा है जी जी जी, जी। जूम इन जूम आउट इस तरह से। ओके, ताजमहल अपनी जगह पर है, सारी चीज अपनी जगह पर है, बट ये मेन जो है सेंटर की वजह से लग रहा है। ओके, इल्यूजन में काफी अच्छा काम किया हुआ है, काफी लोग एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ।
एक गेट की एक ड्यूटी और है जी, आप एक कुछ इंस्क्रिप्शन देखेंगे इसके ऊपर में जो लिखी हुई है, ब्लैक लेटर्स हैं। हाँ हाँ, ये देख साथ में मामू, तो इन लेटर्स की भी एक ब्यूटी है कि लेटर के साइज को बॉटम टू टॉप इंक्रीज किया गया है, इट्स लाइक अ वी शेप। ओके, जिससे इन लेटर्स को आप कहीं से भी देखें आपको देखने में एक साइज के लगे। अगर इन केस इन लेटर्स को एक साइज में बनाया जाता तो ये जो नीचे वाले लेटर हैं वो आपको बड़े दिखाई देते और ऊपर वाले छोटे, बट अभी सारे ही लेटर्स हमें एक साइज में दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नीचे वाले लेटर्स छोटे हैं और ऊपर वाले बड़े। जी जी, ये जो लिखे हुए हैं ये आई थिंक फारसी में किसमें लिखे हैं, उर्दू में? ये अरेबिक में, कुरान की एक आयत है। अच्छा, मुस्लिम लोग अपने मॉर्निंग प्रेयर में पढ़ा करते हैं, वो लिखी हुई है सूर्य अल फज्र। अच्छा जी, तो ये वो लिखी, काफी सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो पूरी बिल्डिंग के अंदर रिटन है। ओके, वो अंदर भी देखेंगे। जी जी, नॉर्मल एंट्रेंस है। ओके, अच्छा जी, आपकी इंडिविजुअल आपकी एंट्री है। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, काफी व्यूअर्स आते हैं। चलिए, ये देखिए फ्रेंड, काफी ऑसम है, काफी प्यारा लग रहा है। यहाँ से शायद वीडियो में इतना क्लियर ना दिख रहा हो, बट मेरे को काफी मजा आ रहा है। आप एक बार विजिट करिए फ्रेंड सर्कल फैमिली के साथ, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। तो थोड़ा सा शायद क्लियर नहीं आ पा रहा, बट आई होप जैसे जैसे बाहर आएंगे आपको क्लियर दिखेगा। मैजिकल मोमेंट है, काफ़ी प्यारा है, ऑसम। ये देखिए, यहाँ पर टोटल 16 गार्डन है, 53 फाउंटेन्स हैं। ओके, जैसे ये जी, ये फाउंटेन्स जो है 53 हैं और 16 गार्डन है। ये दूसरा सिग्निफिकेशन है कि ताजमहल जो है 1653 में बनकर कंप्लीट हुआ था। ओके, अब आप बैठ जाइएगा आराम से, मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। ओके, तो ये 1653 में बनकर कंप्लीट हुआ था ताजमहल, दूसरा सिग्निफिकेशन है। ओके, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सिग्निफाई करती हैं कि ताजमहल बनकर कौन से टाइम पर और कितने टाइम पर बनकर तैयार हुआ, कंप्लीट हुआ था। ओके, जैसे इसकी जो वहाँ पर जब बाइक वाली बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं, हाँ हाँ। आप 22 आपको चढ़ के जाने होंगे, 22 ही उतरने पड़ेंगे। अच्छा, वो भी के 22 इयर्स लगे थे। ओके, ताजमहल को बनने में उसको सिग्निफाई करने के लिए बनाते हैं, जैसे डोम्स है वहाँ पर उसी तरह से। ये अब जैसे ताज म्यूजियम लिखा हुआ है तो इसके अलग से फीस है ना क्या? नहीं नहीं, इसकी कोई वो नहीं है, फीस नहीं है। म्यूजियम भी कोई ऐसा खास नहीं है, म्यूजियम जो दिल्ली के अंदर है, म्यूजियम तो बन रहा है अभी। अच्छा, म्यूजियम जो आप जब आए होंगे ऑन द वे, तो एक यहाँ पर एक होटल होगा ताज कॉन्टिनेंटल। अच्छा, उसके ठीक सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, म्यूजियम नहीं है वो। अच्छा, तैयार नहीं है वो, अगले 24 तक कभी देखने लायक कुछ खास यहाँ पर तो कुछ ऐसा खास नहीं है, छोटा सा है। देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें कितना म्यूजियम होगा, मतलब है क्या बेसिकली उसमें? बेसिकली कुछ स्टोन्स हैं और लिपियां वगैरह हैं, पुराने दस्तावेज है, उतना ही है। बाकी म्यूजियम तो बन रहा है क्योंकि इतना छोटा इतिहास थोड़ी ना है जो कि इतने में समझ जाएगा। इसकी रिपेयरिंग वैसे इन्होंने अच्छी करी है काफी, क्योंकि पहले का एक टाइम था येलो सा था ना, येलो था तो ये येलो सबसे बड़ी येलो होने का रीजन था कि जो मथुरा रिफाइनरी है वहाँ पर से जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उसके बाद में जो वॉर्म बनती है, उसके बाद एसिडिक रेन की वजह से ये पीला होता जा रहा था। बट आप देख सकते हैं जो मेन वाली जो बिल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग जो डोम है काफी ज्यादा पीला है। ओके, क्योंकि जो नीचे वाला जो कंपाउंड है उसका उस पर वर्क कंप्लीट हो चुका है क्लीनिंग का जी जी। और डोम पर अभी बाकी है। हाँ, वो हल्का सा दिख रहा है, नीचे वाला व्हाइटिश है। और हाँ, आगे जाएंगे मैम, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा इस ताजमहल के बारे में। अच्छा जी, वैसे लुक वाइज काफी ब्यूटीफुल है, मतलब देख के मैं काफी टाइम बाद आया हूँ, बचपन में आया कर रहा, बहुत प्यारा है। कितना प्यारा लग रहा है देखने में, तो भाई हमने तो सुना ही था, देख रहे हैं पहली बार। अच्छा, ओके, खुद दिल्ली में रहते हुए 35 साल हो गए, हम आए पहली बार, मतलब टिंकू भाई की राज में तो मजे आ गए हैं। शाम को पार्टी देगा टिंकू भाई, डेफिनेटली। नहीं नहीं, कोई नहीं, पार्टी हम दे देंगे सर, ऐसे क्यों प्रॉब्लम वाली बात है, हमें वापस भी जाना ना। चलो, काफी अच्छा है। तो मैं आपको ताजमहल के बारे में बता देता हूँ। तो ये ताजमहल जो है किंग शाहजहां ने जी थर्ड वाइफ मुमताज महल की नंबरिया बनवाया था जी जी,
जो किंग शाहजहां थे उनका जो ओरिजिनल नेम था वो था शहजादा साबुद्दीन खुर्रम, और शहजादा साबुद्दीन खुर्रम की लीगली तीन बीवियां थी। सबसे पहली थी फतेहपुरी बेगम, दूसरी थी सरहिंदी बेगम, और तीसरी थी मुमताज महल, जिनकी मेमोरी में ताजमहल बनाया। ओके ठीक है। बट जो मुमताज महल नेम था वो उनका टाइटल नेम था, बिकॉज जी मुमताज महल थर्ड नंबर की वाइफ थी, हिंदू तो नहीं थी ना? नहीं नहीं नहीं, वो पर्शियन लेडी थी, वो यहाँ की नहीं थी, वो जो थर्ड नंबर की वाइफ थी जिनका की ओरिजिनल नेम था अर्जुमंद बानो बेगम। ओके। जो कि एक पर्शियन लेडी थी, और उन्हीं की मेमोरी में ताजमहल बनाया। ये ताजमहल को बनाने में जो खर्चा आया था उस टाइम पर वो आया था 40 मिलियन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, उस टाइम पे 4 करोड़ सोने और चांदी के सिक्के उस समय के। जी उस समय पर। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पर जो भी चीज ले लेना देना करते थे वो सोने चांदी के सिक्कों से ही करते थे। तो आज उनका मूल्य आज 4 करोड़, सर कैलकुलेटर में नंबर नहीं आ पाएंगे। अच्छा अच्छा, इतना आगे पहुंच जाएगा क्योंकि क्योंकि सर इतने बड़े बड़े सिक्के होते थे वो। अच्छा, गोल्ड के, गोल्ड के इतने बड़े असरफिया बोलते थे, काफी बड़ी होती थी असरफिया, एक असरफी कम से कम 40 से 50 ग्राम की होती थी। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए कितने, इतना मोटा होता था वो सिक्का और इतना इतना बड़ा। जी जी। तो आप लगा लीजिए सोना वैसे ही भारी होता है। हाँ हाँ। तो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना ज्यादा। तो सिर्फ इसको बनाने में खर्चा कर दिया, वो भी तब जबकि जो ज्यादातर मटेरियल था वो सारे ही इंडिया से अवेलेबल था। जी। जैसे कि अभी जितना भी यहाँ पर मार्बल देख रहे हैं, रेड सैंडस्टोन देख रहे हैं, जो यहाँ का बेसिक पत्थर है, लाल वाला पत्थर, ये यहाँ का लोकल पत्थर है, जो कि फतेहपुर सीकरी, जो कि इसके बाद आप जाने वाले हैं, फतेहपुर सीकरी आगरा से लाया गया, जो कि लगभग यहाँ से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दूसरा जो इसका मार्बल है वो है व्हाइट मार्बल। अनीशा देख रही है ना, वीडियो बन रही है फिर बीच में। व्हाइट मार्बल एंड ऑल द व्हाइट मार्बल ब्रॉट फ्रॉम मकराना राजस्थान। मकराना राजस्थान के अंदर। जी, राजस्थान के अंदर एक प्लेस है मकराना, वहाँ से लाया गया मकराना। जी, जो कि यहाँ से करीब 350 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जब उन्होंने 4 करोड़ सोने और चांदी के सिक्के खर्च कर दिए सिर्फ इसको बनाने में, बट जो किंग्स आ जाते वो इसी के बाद रुकने वाले नहीं थे। ओके। वो एक ताजमहल और बनाने वाले थे फॉर हिमसेल्फ। अच्छा। जो कि ब्लैक बनने वाला था। जी। बट इन केस वो बन नहीं पाया क्योंकि उससे पहले उनके बेटे ने उनको ले जाकर हाउस अरेस्ट कर दिया आगरा फोर्ट के अंदर। जी। अगर इन केस ब्लैक वाला बन जाता तो उनकी डेथ के बाद ब्लैक वाले में साझा को रखा जाता, जो कि ठीक इसके पीछे बनने वाला था। और जो बन नहीं पाया। बन नहीं पाया क्योंकि उससे पहले उनके थर्ड नंबर के बेटे ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया आगरा फोर्ट के अंदर। जी जी। क्योंकि उनको लगता था ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। ओके। क्योंकि जो एक ताजमहल और बनने वाला था वो सारा ही मटेरियल जो था बेल्जियम से आने वाला था। ओके। तो उनको 4 to 5 times ज्यादा स्पेंड करना पड़ता इसको बनाने में, उसको उस यूज वाले को बनाने में। मैं समझ गया, इसके मुकाबले उसको लगता था ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, मेरे पिता जो प्यार में पागल हो गए और वो इस तरह की उल्टी सीधी क्रिएटिविटी कर रहे हैं। जी, औरंगजेब ने वो उनके बारे में बताऊंगा अभी आपको, औरंगजेब ने उनको ले जाकर हाउस अरेस्ट कर दिया। जी, बेसिकली उनको कोई जेल में नहीं डाला था, सिर्फ घर के अंदर बंद किया, जैसे हम बोलते हैं नजरबंद। अच्छा, नजरबंद कर दिया, नजर निकलना पाए बाहर, घर के अंदर बंद कर दिया उनके। जी जी, खाना पीना चलता रहा होगा। जी, खाना पीना सब कुछ चलता रहा। ओके। उन्होंने नजरबंद घर के अंदर ही इसलिए किया गया क्योंकि उनके ये एक तो वो राजा थे, वो खुद भी एक राजा थे, दूसरा उनके पिता थे, और तीसरा उन्होंने अपने बेटे से बोला कि बेटा मैं जीते जी तो आपकी माँ से कभी दूर रहा नहीं, तो उनके मरने के बाद मुझे उनसे दूर क्यों किया जा रहा है, मुझे जहाँ भी रखो ऐसी जगह रखो जहाँ से मैं अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल को 24 hours देख सकूं। तो इसीलिए उन्हें आगरा फोर्ट के अंदर, अगर आप आगरा फोर्ट जाते हैं तो वहाँ से आप पूरा ताजमहल आज भी देख सकते हैं, पूरा ताजमहल दिखता है। ओके, यहाँ से कितनी दूर होगा आगरा फोर्ट? करीब यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है गेट से। अच्छा, तो उसकी कोई टिकट लगती है अलग से? हाँ, टिकट लगती है 20-35 rupees की टिकट है। ऑनलाइन है? जी, वहाँ पे ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। अच्छा। कोविड के बाद सारी जगह की आपको ऑनलाइन ही टिकट लेनी पड़ेगी। ओके। तो जो किंग शाहजहां की तीन वाइफ थी जी, उनमें से जो दो पहली थी उनसे उनको कोई चाइल्ड नहीं था। अच्छा। और अकेले मुमताज महल से उनको 14 बच्चे थे, 14 kids। 14 बच्चे, 14 बच्चों में से 6 जिंदा थे और 8 डिलीवरी के टाइम पर ही एक्सपायर हो गए थे। जो बचे थे उनमें से 4 बेटे थे और 2 बेटियां थी। बेटों का नाम था दारा शिको, सुजात, औरंगजेब एंड मुराद। ओके। 2 बेटियां थी जहानारा एंड रोशनारा। अच्छा। जी, जो जिसमें से के तीसरे नंबर का जो बेटा था वो नेक्स्ट किंग बना अपनी मर्जी से, अपने फादर को हाउस अरेस्ट करके। जी।
और उसने अपने अपने तीनों भाइयों को भी मार दिया था सिर्फ राज करने के लिए। बेसिकली क्या है, हम लोगों के अंदर भी हम लोग जो भी देते हैं अपने बड़े बेटे को देते हैं, वो लीगली राजा नहीं था, वो इलीगली राजा था एक तरह से, अपनी मर्जी से बना, स्वयं अपनी इच्छा से अपने फादर को हाउस अरेस्ट करके और अपने तीनों भाइयों को मार कर। जी जी। तो कहते हैं अगर हिस्ट्री इतनी अच्छी होने के साथ में हॉरिबल भी है, वो तो है ही है डेफिनेटली। जैसे कि सर कहते हैं कि आगरा सॉरी मोस्टली इंडिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी नहीं थी, ज्यादा लोग नहीं थे, कन्वर्टेड मुस्लिम ज्यादा है ओके यहाँ पे आगरा में। जी, आगरा में भी कन्वर्टेड बहुत है। जी 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 जी। बेसिकली सारे हिंदू ही थे। बाकी देखा जाए काफी ब्यूटीफुल प्लेस है, उस टाइम में तो कन्वर्जन हुआ। चलो वो तो इतिहास वाले जानते होंगे, अलग चीज है। इतिहास को तो सर सारे इंसान ही है। जी जी जी। लोगों ने आज कर रखा है, बट ऐसा नहीं होना। सारे अपने भाई बहन जैसे, सारे लोगों को भाई उसी तरह से रहना चाहिए। हम लोग इंसानियत को ज्यादा महत्व देते हैं। तभी मेरे चैनल का नाम ही टिंकू भाई है, भाई सबका। इंसानियत ये सही है सर। जी जी जी। इंसानियत वाली बात रहनी चाहिए। जी सर, यही कर करके सर अगर देखा जाए तो देश इसी वजह से बटा हुआ है हमारा, वो तो है कंट्रोवर्सी की वजह से। जी जी। ये इतनी अच्छी सी बिल्डिंग है, ये ताजमहल सिंबल ऑफ लव है, जो के बोलते हैं आगरा को सिटी ऑफ लव। जी जी जी। जहाँ पर ताजमहल बनाया गया है, देखा जाए उन लोगों ने कंट्रोवर्सी कर करके काफी सारी चीजों में बांट रखा है। जी, मैं खुद हिंदू, बट मैं इस चीज को नहीं मानता कि ऐसा होना चाहिए। सब लोगों को सही सही रहे तो ज्यादा बेटर है। वो सारे बराबर ही हैं, सारे भाई बहन जैसे ही हैं। सर देखिए, हमें लगा हमने भगवान समझ के पूछ लिया, उन्होंने अल्लाह समझ के पूछ लिया। वो तो है ही है, उन्होंने नहीं हो तो हम नहीं हूँ। ये तो डेफिनेटली सर। बाकी ओवरऑल बाकी लुक वाइज काफी स्टनिंग है, मतलब यहाँ से देख के मजा सा आ रहा है। पीछे मैं कैमरे में इतना शायद क्लियर ना दिख रहा हो, बट सामने जो फील है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल की फील है सर। इतना हम लोग नहीं समझ पाते हैं, अगर यहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं। जी जी। ज्यादातर जो फॉरेनर्स आते हैं जब एक बार एंटर करते हैं, हाँ। तो जो उनकी लेडीज होती हैं वो रोने लगती हैं उसको देखकर। अच्छा। ताजमहल को, और काफी बार तो लड़ाई जाती है उन लोगों में। बढ़िया, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। कैमरे में शायद इतना क्लियर नहीं दिख रहा, बट जो सामने होगी फील आ रहा है ना, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का मजा है मतलब। और अभी तो चलो सर्दियों का टाइम है, तो इस टाइम तो आए हम, आज वेदर भी अच्छा है उसके। और जैसा से अभी कोविड की वजह से पब्लिक भी काफी कम है देखा जाए तो, मतलब जैसे भरा रहता है ना ये, तो पहले पब्लिक लिमिट लेस रहती थी, या एक टाइम पर तो लिमिट थी, जैसे 5,000 लोगों को विजिटर्स को भी टिकट मिलती थी। जी जी। अभी तो पहले ऑनलाइन 15,000 रखी हुई है उन्होंने, 15,000 बिकने के बाद वो मैनुअली टिकट दे लगते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लिमिट लेस है, कोई नहीं। अभी तो फिलहाल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टाइमली मिल गया हमें, बहुत एंजॉयफुल रहा और एक अच्छा गाइड भी मिला। और बाकी ये है कि टिंकू भाई की तरफ से कोई भी व्यूअर्स आते हैं तो डेफिनेटली आप उनका टेक केयर कर ही लोगे। तो फ्रेंड, एक बार अजीत भाई को जरूर मौका देना, आपको जरूर अच्छा लगेगा। एक बार जो पर्सनली विजिट करोगे ना आप, तो आप इनको एक बार मौका जरूर दीजिए। तो आप वीडियो में आपने उन्होंने अपनी तरफ से बताया, अगर आपको कुछ क्वेश्चन आप पूछ भी पाएंगे। हाँ, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी जी जी। कोई भी, किसी भी तरह का आप सीधा अगर यहाँ पे आते हैं तो सिंपली बोलिए कि भाई जो गाइड वाला हूँ, आपस में सारे एक दूसरे को जानते ही हैं, तो अजीत नाम बोलेंगे तो आपको मिलवा भी देंगे। एक बार गेट पर आ जाइए और कोई भी किसी से पूछ लेंगे वो बता देगा। तो पर्टिकुलर कोई आपका गेट है सारे गेट में कोई भी? ईस्ट गेट ध्यान रखना, ईस्ट गेट जो है रश्मि, आपको आपके लिए ज्यादा बेटर है वो, मेरे से ज्यादा। मेरे को तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी, वो तो आपके ऑलरेडी क्लाइंट्स की कमी भी नहीं होगी, काफी पब्लिक भी आती है, बट एक अच्छा गाइड मिलना वो एक अच्छी बात है। ये सर देखिए, मैं तो नहीं बता सकता कि मैं, बट मुझे आइडिया लगता है। व्यूअर्स आप भी बताओ, अजीत भाई कैसे लगे, उनके जो बताने का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो और अजीत भाई के लिए वीडियो जरूर शेयर करो, टिंकू भाई को भी वीडियो शेयर करिएगा आप। बाकी काफी सारे हैं, और बाकी निशा आंटी का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लग रहा है आज समझने में, कोई नहीं, वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी एज के हिसाब से। तो अभी आगे चलेंगे, अभी कुछ अजीत भाई कुछ रहेगा बताना चाहोगे? बचा है वो मैं आपको आगे बताऊं। चलिए फ्रेंड, अभी आगे चल के वीडियो बनाते हैं नेक्स्ट। थैंक यू फ्रेंड। ये ताजमहल के सामने राइट साइड में अगर हम देख रहे हैं, तो ये इसका नाम था मेहमान खाना। तो अजीत भाई बोल रहे हैं कि वैसे बेसिकली इसका कोई यूज नहीं था। अच्छा। इसके अपोजिट में एक दूसरे डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, हाँ हाँ, एक मस्जिद बनाई हुई है। अच्छा। उसकी रेप्लिका है। अच्छा, ओके। ये उसकी रेप्लिका है, ये सिर्फ सिमेट्री को बैलेंस करने के लिए बनाया था। अच्छा, जिससे बिल्डिंग को आप कहीं से भी देखें आपको अनकम्प्लीट ना लगे। ओके। अगर आप बिल्कुल सेंटर में जाते हैं जब देखेंगे कहीं से भी, हाँ, तो आपको एग्जैक्ट सेम लगेगी बिल्डिंग। अच्छा। अगर आप इसको हटाकर अनकम्प्लीट लगेगी बिल्डिंग, ऐसा लगेगा कहीं कुछ छूट रहा है। तो ये भी रैंप इन्होंने अलग से बनाया, व्हील चेयर के लिए अवेलेबल है ना? ओके, मतलब जो बुजुर्ग लोगों के लिए। वैसे देख के मजा आ गया जी भाई, यहाँ पे ना यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है दीपू।
कहाँ गए दीपू, पीछे रह गए। जो ब्यूटी है इसकी वो ऐसी ही है सामने से, ऐसा नहीं है आप एकदम देखिए अंदर चले जाइए तो आपको इतना मजा नहीं आएगा यहाँ देखने से। अच्छा अजीत, ऐसे देखिए अजीत भाई, अभी जो टावर्स के बारे में बता रहे हैं, इनका जो हाइट है वो इक्विवेलेंट है जी, सारे टावर्स की हाइट इक्वल है, बट सिर्फ इतना है कि टावर जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, टिल्टेड है, ये टिल्टेड है 1.5 डिग्री बाहर की तरफ। अच्छा ओके, इन केस कोई डिजास्टर आता है तो ये सारे ही बिल्डिंग के ऊपर ना गिरे, ये बाहर की तरफ गिरे। अच्छा, ये बाहर की तरफ गिरे जिससे क्या है कि जो मेन बिल्डिंग है वो सेफ रहे। ओके, बीच वाला एट द टाइम ऑफ डिजास्टर मतलब ये है कि जो तो साइड में गिर जाएंगी। और ये देखा जाए तो वैसे भी टिल्टेड लग भी रही है, हल्की सी बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। ओके, पीछे की तरफ है। बनाने का क्या पर्पस था भैया, बड़े वाले कौन से वाले? इसमें ना भैया इसका बेसिकली रीजन ये देखिए, इसका कोई रीजन नहीं था, ये ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए, ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। ये तो राजा महाराजा के महलों में भी ऐसे बनते थे जी। कोई लिखा भी, ये अरेबिक में इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, ये होली बुक ऑफ कुरान की इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारे, करीब 14 चैप्टर्स हैं ये टोटल। क्या ये जो लिखा हुआ है इस पे जी तनिष्क, और इन लेटर्स की भी एक ब्यूटी है, इन लेटर्स के साइज को इक्वल नहीं बनाया है, इन लेटर्स को बॉटम टू टॉप इनके साइज को इंक्रीज किया गया, इट्स लाइक अ वी शेप। ओके, जिससे आप इन लेटर्स को कहीं से भी देखें आपको देखने में एक जैसे लगे, इजीली आप इनको पढ़ पाए। अगर इन लेटर्स को सेम साइज का बनाया जाता तो जो नीचे वाले लेटर है वो आपको बड़े दिखाई देते और ऊपर वाले लेटर छोटे जी। हाँ सर, कुछ होली होली बुक ऑफ कुरान की जैसे कि सूरह अल-फज्र, सूरह यासीन, बनाने वालों के नाम हैं या वैसे? नहीं नहीं, ये लेटर्स हैं, ये लेटर्स के नाम हैं, जो लेटर्स की वो हैं उनको कोई होली बुक ऑफ जो लेटर है बुक के, सूरह अल-फज्र, सूरह यासीन, इस तरह की कुछ इंस्क्रिप्शन हैं ये। दूसरे जो जिन्होंने ये रिटर्न किया था वो थे मोहम्मद सिराजी। क्या नाम है उनका? मोहम्मद सिराजी। अच्छा, उन्होंने जिन्होंने ये ताजमहल को डिजाइन किया था वो मेन आर्किटेक्चर जो, तो मैं समझ गया, लेकिन इस पे ही ये लिखवाने का क्या होता है सर? इसको हेवन से भी जोड़कर देखा जाता है, जन्नत से, रेप्लिका ऑफ जन्नत कहते हैं। जब हेवन के अंदर जाते हैं तो हमें कुछ पढ़कर जाना पड़ता है, तो इसी तरह से कहते हैं अगर इसमें से एक बार पूरे में राउंड करके आप आ गए तो एक हेवन का चक्कर लगा दिया आपने, आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को वहीं छोड़कर आ जाते हैं। अब पॉजिटिविटी आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी आपको एहसास होगी। खुद ही नहीं, खुद ही मैं खुद भी कह रहा था काफ़ी अच्छा लग रहा है, बीजों का ध्यान दिया जी जी। इसको जन्नत का दूसरा दरवाजा ही बोला जा सकता है जी। इसको नहीं, ये ताजमहल को काफी जल्दी की होली बुक ऑफ कुरान के इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं वो सारे ही ये वर्ड्स में। जब हम लोगों में भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, गूगल वगैरह से नहीं हो सकते वो, हम पढ़ सकते गूगल पे सर? ये देखिए गूगल, ये अरेबिक में है, अरेबिक है, अरेबिक में है। बुक पढ़ लियो, हिस्ट्री बुक पढ़ सकते हैं, अरेबिक टू हिंदी कन्वर्ट नहीं हो सकती क्या? होती है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कम बोली जाती है अरेबिक जी। कुछ लोग आते हैं, लोग यहाँ पर भी बहुत कम आते हैं, 1% भी नहीं आते 100 में से अरेबिक। और बाकी अभी जो ठंडी ठंडी हवा चल रही काफी मजा आ रहा है, तो वैसे वो इतने सारे मामले से तो कैसे लगा दीपू तेरे को? बहुत बढ़िया, मतलब मजा ही आ रहा है ना। अभी इसको वीडियो में कैप्चर कर रहे हैं, मतलब कि वो शायद इतनी बात दिखे ना, बट जो सामने फील आ रहा है ना वो एक नेक्स्ट ही लेवल है। तो एक बार फ्रेंड अगर आप आसपास रहते हो ना आगरा के, दूर भी रहते हो, एक बार आप मौका जरूर दो अपने फैमिली मेंबर्स को, इन्जॉय करो, मुझे तो काफ़ी शानदार लगा। और अजीत भाई ने बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से बताने के लिए। अभी एक चीज और दिखाता हूँ जी जी, खुद अपने लिए बनवाने वाले, तो ऐसा ही एक ताजमहल और बनने वाला। और जो आप बता रहे थे बैक साइड में काले कलर का, ये सुना भी था हमने, बट वो बना नहीं पाए थे ड्यू टू सम जो उनका फैमिली रीजन कह लो, उनको पहले ही हाउस अरेस्ट कर दिया। और वैसे भी कहते हैं सुनने वाले बेटे भी ऐसे ही थे आज की तरह ही, नहीं आज के डेट पे डिपेंड करता है आंटी, फैमिली टू फैमिली ऐसा कुछ नहीं है। अरे बहुत कुछ ऐसा ही हो रहा। अजीत भाई आपका क्या कहना है इस बात पे? मेरा ये कहना है कि तो फर्क पड़ता है, देखिए कहते हैं ना हाथ की पांच उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वही ना, इसी तरह से हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। देखिए पहले अच्छे भी थे और बुरे भी थे, जैसे कि आगरा के अंदर अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, बुरे लोग भी मिलेंगे। ये अजीत भाई, हाँ जी, कौन सा रेड फोर्ट? रेड फोर्ट, अच्छा वो रहा। ओके, और ये काला काला सा पानी यमुना क्या है? यमुना नदी है, ये हमारे दुर्भाग्य है, ये काली भी बढ़िया कि हम इसके लिए बोलते हैं सिर्फ, कंट्रोवर्सी करते हैं इसके ऊपर, कुछ करते नहीं है। देखिए सर, सरकार यहाँ काफी सारे लोगों ने बोला
मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या है, ये नदी कम और नाला ज्यादा है, लोगों ने गंद भी फेंका हुआ है। अच्छा, यमुना तो यार पवित्र नदी माना जाती है, होली बुक का, जितनी भी होली बुक है हमारी जितनी, ये होली रिवर ही है यमुना, जैसे गंगा यमुना सरस्वती, ये तीनों जाकर मीटिंग करती है। जी जी, तो अजीत भाई ये जो बना हुआ है वो किले का रूप है? नहीं नहीं, वो एक ताजमहल और जो बनने वाला था उसका फाउंडेशन है, स्टार्टिंग का उस समय का, सिर्फ उसका फाउंडेशन लगा गया उसका। अच्छा, तो सामने देख रहे खाली वाला प्लेस, हाँ देख रहे आपको बीच में भी सेंटर में, वो वाला जो है वो सिर्फ उसका फाउंडेशन है, सिर्फ उसका फाउंडेशन लगा गया, उससे उसके बाद में उनके बेटे ने उनको ले जाकर हाउस दर्ज कर दिया आगरा फोर्ट के अंदर। अच्छा, वो वाला आप रेड देख रहे हैं, ओके ये आगरा फोर्ट है, ये रहा दिख रहा है। जी जी, अभी काफी अच्छी विजिबिलिटी आ रही है वहाँ पर, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, विंटर टाइम पे दिखता नहीं है अच्छे से ये। एक बार फ्रेंड आगरा जरूर आओ, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। ताजमहल देखिए परिवार के साथ। सर आप मुझसे बोल रहे थे कि ताजमहल वहाँ से नहीं दिखता, वो जो आप देख रहे हैं गोल्डन वाला, वो जो एक डोम जैसा दिख रहा है आपको, वो करीब 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जी वो गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा है? वो सिकंदरा के पास जो गुरुद्वारा है, सिकंदरा के पास में। ये जो बिल्डिंग दिख रही है रेड फुट के ठीक पीछे दिख रही है जो आपको, वही संजय प्लेस गुरुद्वारा है वहाँ सामने, वो भी वो गुरुद्वारा है। और ये कौन सी वो है? ये एक ताजमहल का, ये यमुना रिवर है ये। नहीं नहीं नहीं, वो जो टेंपल नहीं है वो, ऐसा डोम देख रहे हैं, क्योंकि एक ताजमहल और बनने वाला था ना, बाउंड्री स्टार्ट की थी वहाँ से ना उन्होंने, नया बनाने के लिए, तो बाउंड्री वहीं से वहीं तक रहेगी। ये नहीं थी ना, उल्टा आंटी अब आ रहे हैं इस एज में, ज्यादा मजा आ रहा है देखने में, फील आ रहा पूरा है। तब तो मैं बच्चा था, बिल्कुल छोटा था। गवर्नमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। ये यमुना भी साफ हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है सर यहाँ गंगा जल लाने के लिए। अच्छा सर, देखिए योगी जी बहुत इस मामले में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा है सर, क्योंकि यहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम है, बालों का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पानी से कनेक्टेड होता है। तो सर बहुत वाटर फ्रॉम द ग्राउंड यूज किया जाता है? नहीं सर, वहाँ बॉटल्स का पानी लेके आना पड़ता है पीने के लिए। तो आरोप अच्छा लगा, ये आता है फिल्टर होकर आता है, अब तो अच्छा नहीं लगा है, पहले तो बहुत गंदा आता था, कि पीना तो बहुत दूर, आप इसको कपड़े धोना पसंद ना करते, हमारे वहाँ भी वही आता भैया। चलो अभी नेक्स्ट फिल्टर के प्लांट लगे हैं, उसको फिल्टर करके वही पानी आता है उसको। ये टनल से नीचे जाने के लिए, नीचे जाने के लिए टनल बनी हुई है यहाँ पे साइड पे, ये नीचे ताजमहल के नीचे तक जाने के लिए। नीचे कुछ है इसमें? नीचे सर इसके नींव है और कुछ नहीं है, ताजा मुमताज की कब्र है नीचे मिट्टी के अंदर, ये पैसे अपनी मर्जी से डाले हम लोगों ने, जैसे फिशिंग वेल में डालते हैं हम लोग। क्या है, देखिए लोगों को लॉजिक पर भरोसा नहीं है, लोगों को लॉजिक पर भरोसा नहीं है, मैजिक पर भरोसा है, तो लोग लगता है कि शायद कुछ मैजिक हो जाए। चलिए सर, वो कहते हैं ना कि ये दुनिया, ये हिंदुस्तान जो है राम भरोसे है, तो वही वाला एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अच्छा सही है, आ जाओ सारे। देखिए आप यूरोप में जर्मनी जाइए तो वहाँ पर एक ब्रिज है, अमेरिका के अंदर एक ब्रिज है, वहाँ पर लोग ताले लगाते हैं कपल, तो वो कहते हैं उनका रिलेशन कभी खत्म नहीं होगा, बट वो जी वो दो महीने बाद वो किसी और के साथ और वो किसी और के साथ, नहीं है सर। तो यही है, लोगों को मैजिक पर विश्वास है, जो है ना कि एक बार कुछ हो गया तो हाँ साहब यही है। अजीत भाई यहाँ ठंडक भी लग रही है काफी, और वैसे भी देखा जाए काफी सालों साल पहले बना होगा, और आज भी देखो बिल्कुल स्मार्टली लुक में है, और एकदम गुरुद्वारे इतने बड़े बड़े हैं, गुरुद्वारे में भी यही मार्बल यूज किया गया। सही है, ऑसम। मार्बल की यूज होने का बहुत बड़ा रीजन है, एक तो ये हार्डेस्ट मार्बल इन द वर्ल्ड है, दूसरा इस मार्बल की लाइफ सबसे ज्यादा होती है, ये इससे हार्ड नहीं है, दूसरा लाइफ सबसे ज्यादा है, और दूसरा ये नॉन पोरेस्ट मार्बल है, अगर आप इसके ऊपर ऑयल फैला देते हैं उसके बाद इजीली आप इसको सोप एंड वाटर के हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, सारे ऐसे होते हैं भैया? नहीं सारे नहीं होते, कुछ मार्बल पर स्पॉट्स रह जाते हैं, कुछ रह जाता है, बट इस पे इसके साथ में ऐसा नहीं है। तो उस टाइम के पुराने भी तो हैं ये, आप ऐसे कह सकते हो कि फ्रेश माल, फ्रेश आइटम्स नहीं, उस टाइम पे तो अपने आप में एक बेटर चीज मिलती थी।
ये कैसी बनी अजीत भाई, ये जो कोठरी से ताले लगे हुए जाने के लिए? अच्छा, काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, नीचे थोड़ा सा एरिया तो है ही है। अच्छा, उसके लिए यहाँ पे कुछ चोरी का भी है, कुछ हिसाब किताब नहीं? नहीं, यहाँ कोई चोरी वोरी का हिसाब किताब है? होगा क्या यहाँ पे मार्बल ही है करेंगे सर, पत्थर और पत्थर इतना छोटा तो नहीं है चोरी करने का। हाँ, ब्रिटिशर्स ने किया था चोरी, सोना वाना चोरी किया था, क्या होगा जो दबा के जो ऊपर जो पिनिकल देखा था हमने ब्रास वाला, वो पहले गोल्ड का हमने देखा, वो ब्रास का नहीं था। अच्छा, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो उन्होंने वो रिमूव किया, उसकी जगह पर उसको रिप्लेस किया ब्रास से। अच्छा जी, मतलब क्वालिटी ले गए, अपना हलवाई दे गए। वो कौन सा मेडल है ऐसा है? टुकड़ा काट के लेके गए थे। अच्छा, सोने का चढ़ाया था और अकबर ने सोने का चढ़ाया है। ओके, ये एंड गेट है क्या? नहीं, ये एंड गेट नहीं, ये मॉस्क है जो बता रहा था हमने, उसका रेप्लिका देखा था उधर। अच्छा अच्छा, वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेहमान घर जी। ओके, मेहमान के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही बनाया एज़ इट इज़, ये रेड है और वो वाइट है। नहीं, सेम ही है। बनाने का ऐसा नहीं है कि वो मेहमानों के लिए बनाया था, बस वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बस बिल्डिंग को कवर अप करने के लिए जी, अंदर जाने के लिए वो रही सामने लाइन, वो लाइन वो रही, वो रही इधर नहीं है। उसकी टिकट आपको और यहाँ से करनी होगी दोबारा 200 रुपये। ताजमहल के अंदर की टिकट अलग है जी, 200 रुपये की पर बंदा। देखिए, बेसिकली उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ दो कब्रें हैं, उसको राउंड करने की टिकट है। अच्छा, अगर आप चाहें तो वो भी, उसका भी ऑप्शन है। आप वो सामने वो लगा हुआ है, एक बार कोड स्कैन करना होगा पेटीएम से आपको, और आप टिकट, अपनी टिकट आप जनरेट कर सकते हैं। अबे तो हमने ये बेकार में लिए थे, हम तो जाएंगे। एंट्री की भी टिकट होती है लाला, घंटे जाना ही नहीं, हमने तो ये बेकार में लिए थे। ये है बस, यही जो दिख रहा है यही है, 200 रुपये की टिकट। अंदर मतलब अंदर नहीं है, यही बाहर ही, ऊपर ऊपर की तरफ बंदे खड़े हैं बस। इंटरनल नहीं जा सकते, मतलब ऊपर खड़े होने के 200 रुपये हैं जी, तो उसमें क्या फायदा होगा? सर, लोगों की मर्जी वाली बात है, तभी करके हमने नॉर्मल नहीं, सही किया आपने, सही किया। पर पर्सन 200 रुपये जी, 200 जी, हाँ पर पर्सन 200 है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि कुछ खास फायदा भी तो हो। तू तो बना रह जाएगा, चिंता जरूरी नहीं है। जैसे राउंड किया, ऐसे ही एक राउंड लग जाएगा वहाँ, राउंड करने के ऊपर यहीं से सारा दिख ही रहा है, तो राउंड लेके क्या करेंगे? ब्यूटी है इसकी, वो फ्रंट से ही है, सामने से जो हम देख रहे हैं जी, आप जो देख, वही मैं कह रहा हूँ, और एक भव्य सा फील होता है, समझना ब्यूटी है इसकी, इसको सिर्फ चले जाना ब्यूटी। वो वही तभी देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं, हफ्ते वक्ते आते हैं और नहीं समझते इसको, तो वो अलग है। आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं बिल्कुल अभी तक। देखो, मेरे को तो ऐसे लगा, मेरे उससे बोलेंगे एक्सपीरियंस है, तो अगर देखिए मेरी फैमिली होती तो मैं नहीं करता, मैं ये नहीं करता कि उनको ला जाओ और कि बस ले जाओ और बस कि हाँ साहब पैसे खर्च कर दिए तो बस मजा आ गया। नहीं नहीं, पैसा खर्च के सही बजट में पैसा खर्च हो, उसके बाद में पूरा एंजॉय करें, उसको कहते हैं सही मजा। नहीं, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, काफी बार मैं जब भी आया हूँ ना सामने, मतलब अभी की बात कर रहा हूँ, अभी तो अंदर गया भी नहीं, बाहर ही इतना मजा आ रहा है देखने में। देखिए, अंदर कुछ नहीं है, तो कब्रे हैं और वहाँ भी वीडियो वगैरह भी नहीं बना सकते, फोटो भी नहीं खींच सकते। वीडियो की टेंशन नहीं है, क्वालिटी अपने लिए भी चाहिए लाइफ के लिए, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। ऊपर चढ़ के मैं क्या करूंगा, जाके साइड साइड में जाके देखिए, यहाँ पर फोटो खींच लीजिए, वहाँ फोटो खींचिए, सीन वही रहेगा जी जी। और बाकी व्यूअर्स आप बताइए, बाकी तो मुझे हर एक का अपना होता है, तो मेरे को तो अपने हिसाब से लगा, तो गाइड का कोई टिकट नहीं है, तो गाइड को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, हमारे लिए तो फ्री है सर। बोल देना ये भी नहीं ज्वाइनिंग हुई है। चलो कोई नहीं, अजीत भाई अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, और बाकी अजीत भाई को मौका जरूर दीजिए। अभी हम अजीत भाई किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, एग्जिट की तरफ। एक सेकंड, बाकी सब भी आ जाएं, वो रहे सब ये रहे। चलो अभी बाकी एग्जिट होंगे तो थोड़ा सा देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मैम, तनीषा हेलो आए, हाय, ये है तो हमारा पानी, ये स्विच, ये इसका स्विच है और ये पानी। चलो, नाइस एक्सप्लेनेशन, आओ हेलो। हाँ, राम तनीषा, राम राम,
हेलो निकड़ी नमस्ते चाक बड़े दिन लगे चलो चलो निकड़ी दीदी तेजस भैया अजान हो रही है ना उस टाइम रूम कितने छोटे छोटे होते होंगे सही डिजाइन बना हुआ है यहाँ से फ्रेंड एग्जिट होंगे यहाँ से अब एग्जिट हो रहे हैं इसमें कुछ स्कैन तो नहीं करना नहीं एग्जिट के लिए आ जा एक सेकंड भाई बाकी फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए बाकी लेट्स सी यू विल एंजॉय और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो जो है फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना तो अभी हो सके तो आपको मैं और दिखाऊंगा आप देखिएगा यहाँ से एग्जिट गए निशा आंटी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा खासकर तेरे साथ तो बहुत ही अच्छा रहा पर टिंकू भाई के साथ आने का मनोरंजन पूरा मिला वैसे तो आंटी देखा है टिकट का सिस्टम ने किया ना ऑनलाइन वो ज्यादा बेटर है लाइन पे लगने के मुकाबले टाइम बचता है नहीं नहीं वहीं जाके खाएंगे भैया ने दुकान बताई है वहाँ ये देखिए फ्रेंड यहाँ की पूरी मार्केट है बाहर की ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है चलो थोड़ा आगे चलते हैं देखते हैं ये शॉप है यहाँ पर आगे ईस्ट गेट पर ये बढ़िया है ओके ये क्या नाम है प्राचीन प्राचीन पेठा जी और ISO सर्टिफाइड है यही शॉप है और बाकी तो बहुत सारी है ओके टेस्ट करा देंगे आपको टेस्ट ठीक है ऐसा नहीं है एक सेकंड देखते हैं वरुण नाना आ जाओ तुम भी आ जाओ वाहेगुरु दो से टेस्ट करा दोगे हाँ सर ओके आपका नाम क्या जी अरविंद ओके कौन से फ्लेवर है पहले तो ये बताओ इसमें हम अलग अलग फ्लेवर आते हैं इसमें आपको रोज वाटर कोकोनट स्ट्रॉबेरी मैंगो सैंडविच चॉकलेट पान केसर चेरी ये सारे फ्लेवर मिलेंगे आपको कैसे दे कैसे रहे हो ये मैम 250 का बॉक्स आता है 600 ग्राम की पैकिंग होती है 600 ग्राम वेट होता है बॉक्स के अंदर निशांत आ गए आपको कौन सा लेना भैया टेस्ट कर लीजिए आप टेस्ट करना चाहें तो सबसे अच्छा कौन सा होता है सर ये रोज वाटर कोकोनट और पान ये सबसे ज्यादा फीलिंग होगी आगरा में सिर्फ आपका ही ISO सर्टिफाइड है इधर ही मतलब कोर्ट के आसपास ये हमारा प्राचीन का दो फ्रेंचाइजी है अच्छा ये आपकी फ्रेंचाइजी है अपनी अच्छा देखिए मैं कह रही हूं ये रोज वाटर सर ये कौन सा वाला ये रोज वाटर वाला सभी आपके साथ ही है ना हाँ। कुछ और मंगा रहे हो तो भैया आप देखो टेस्ट इसका रोज वाले का बहुत वाले का अच्छा है ये कोकोनट है वो पिंक वाला कौन सा वो स्ट्रॉबेरी वाला है स्ट्रॉबेरी करा दो हमें तो टेस्ट हमारी तो फेवरेट है भैया को कराते हो भैया ये कोकोनट वाकई में टेस्ट काफी डिलीशियस है
ये रोज का है, ये सारा फ्रेश मेड होता है आपका? जी सर, ये क्या एक दिन पुराना होता है, ये कल का होता है, जैसे अभी मॉर्निंग में आज जो बनेगा वो शाम को आएगा दुकान पे। ओके जी, आइए इसके लिए। बाकी ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है आपकी, और बाकी ये है कि कौन सा ईस्ट केस के सामने पड़ेगा आपका? जी जी जी। ओके, ये देखिए स्ट्रॉबेरी है, मैं मैंगो भी दिखा देना एक बार। जी थैंक यू। हमारे मतलब 250 का बॉक्स आता है, ये बहुत अच्छा है, मेरे को तो ये डिलीशियस है। 600 ग्राम। प्राचीन शॉप फ्रेंड, यहाँ पे आ सकते हैं आप, बाय कर सकते हैं। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो देखते हैं फ्रेंड। चलो अभी ताजमहल का तो हुआ, अब यहाँ से निकलते हैं आगे। डोगी आया, डोगी की तक, डोगी तेरी तक। गोनी भैया, और भाभी कैसा रहा सफर आपका? बढ़िया रहा, मजा आया। और दीपू भैया, ये इन्होंने परचेज करे हैं यहाँ पे, ये ज्वेलरी बॉक्स है ना? नहीं, हाँ अच्छा, भगवान जी लेके आए हो आज। ओके, दीपू भैया बच्चे संभालते हुए, अपने डैडी का कर्तव्य निभाते हुए, बहुत मजा आया मुझे, और बच्चों ने बिल्कुल तंग नहीं किया। मजा तो आया वैसे दीपू, जो भी है ओवरऑल पूरे एकदम गाड़ी ठस भरी पड़ी है। चलो फ्रेंड, अभी आगे देखते हैं, बनाते हैं, फिर देखते हैं।